अगर ये बटरफ्लाई आप बिना सोचे समझे अपने टैंक में डाल दिए तो ये बटरफ्लाई तो जाएगा जाएगा, इसके साथ अपने आप को सबको लेके जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का इस एपिसोड का जो हमारा पहला फिश है दैट इज चिटोडॉन फैसियाटस, कॉमन नेम है डायगोनल लाइंड बटरफ्लाई। रेंज ये कहां कहां पाया जाता है? रेड सी, गल्फ ऑफ एडेन। साइज ये कितना बड़ा होता है? ये लगभग 8 इंच तक बड़ा होता है। ये भी बड़े साइज के बटरफ्लाई में शामिल है। ये फिश रेड सी एरिया का फिश है और मैं इसे वीडियो में बता देता हूँ कि रेड सी के जो भी फिशेस हैं, रेड सी ओरिएंटेड फिशेस, वो थोड़ा हाई डेंसिटी में रहते हैं। सो इस फिश के लिए डेंसिटी थोड़ा हाई चाहिए। ये फिश भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ये बहुत रेयरली इम्पोर्ट होते हैं और ये बहुत ज्यादा इसका क्लोज रिलेटिव है रेकून बटरफ्लाई। हम बहुत ज्यादा रेकून के साथ इसे कंफ्यूज कर सकते हैं लेकिन ये डायगोनल लाइन बटरफ्लाई है, रेकून बटरफ्लाई बिल्कुल नहीं है। तो डायगोनल लाइन बटरफ्लाई जो है ये रेड सी ओरिएंटेड है, ये एक्वेरियम में हाई डेंसिटी में रहता है। हाई डेंसिटी मींस यू कैन से इन एंड अराउंड अबव 26 और कोल्ड टेम्परेचर में, मतलब ये रीफ ओरिएंटेड है, मींस डेंसिटी 1.026 और टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये बटरफ्लाई का इनिशियल प्रॉब्लम है फीडिंग प्रॉब्लम। इनिशियल प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूँ, जनरली टैंक में आके ये फीडिंग नहीं लेता है, थोड़ा श्रिम्प क्रिल फ्रोजन फूड तो ले लेता है लेकिन ड्राई फूड लेना नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप श्रिम्प क्रिल फ्रोजन फूड आप इन्हें दे सकते हैं तो कभी कभी ड्राई फूड ले भी लेता है। सो अगर आप इन्हें फीडिंग में एडजस्ट करवा पाओ तो ये लॉन्ग रन में रह जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में रखने के लिए इस बटरफ्लाई को आपका टेम्परेचर मेंटेन करना है, डेंसिटी मेंटेन करना है, फीडिंग को टैकल किया जा सकता है। इस बटरफ्लाई के लिए फ्रोजन फूड अवेलेबल है, वो देकर धीरे धीरे हम ड्राई फूड में अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज थोड़ा डिफिकल्ट है, टेम्परेचर और डेंसिटी। मैं इसलिए कह रहा हूँ टेम्परेचर और डेंसिटी, जनरली हम फिश ओनली में टेम्परेचर चिलर नहीं लगाते हैं, हम लोग रीफ में ही चिलर लगाते हैं। सो फिश ओनली में अगर हम चिलर नहीं लगा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पर ये फिश नहीं रहेगा। जनरली फिश ओनली में हम डेंसिटी थोड़ा कम रखते हैं और रीफ में डेंसिटी ज्यादा रखते हैं, तो फिश ओनली में कम डेंसिटी में रखेंगे तो ये फिश नहीं चलेगा। और अगर रीफ किसी का है तो रीफ में ये फिश नहीं चलेगा क्योंकि ये रीफ से बिल्कुल नहीं है, आपका कोरल डैमेज कर देगा। सो इसीलिए दिस फिश इज बिट कॉम्प्लेक्स फिश टू कीप, आपको बहुत अच्छी तरह कैलकुलेशन करके ही ये फिश आपको रखना है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का अगला फिश है दैट इज चिटोडॉन फर्मब्ली, कॉमन नेम है ब्लू स्ट्राइप बटरफ्लाई और ब्लू लाइंड कोरल फिश। ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड में सब जगह नहीं पाया जाता, सिर्फ हवाई में पाया जाता है। ये भी मैक्सिमम 7 इंच तक बाइट में बड़ा हो सकता है। इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हवाई एरिया में ही है, रीफ बेस है ये फिश। इस बटरफ्लाई का जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये बटरफ्लाई का बिहेवियर थोड़ा एंजल टाइप है, मीन्स ये बटरफ्लाई बहुत शाइफुल है, बहुत डरपोक है, केव ओरिएंटेड रहता है, ऊपर नहीं घूमता है। ये इसके लिए प्लेंटी ऑफ स्पेस चाहिए, आपका टैंक तो 4-5 फीट का होना है बटरफ्लाई के लिए, 3 फीट के टैंक में भी रह जाएगा, लेकिन प्लेंटी ऑफ लाइव रॉक चाहिए, प्लेंटी ऑफ हिडन स्पेस चाहिए। बहुत पीसफुल टेम्परमेंट है और बहुत सॉफ्ट कैटेगरी का बटरफ्लाई है। सॉफ्ट कैटेगरी इन द सेंस पानी का पैरामीटर थोड़ा डिस्टर्ब होने पर ये बटरफ्लाई डैमेज हो जाता है। डेंसिटी का फ्लैक्चुएशन, टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन, ये पीएच का फ्लैक्चुएशन, खासकर पीएच का फ्लैक्चुएशन ये टॉलरेट नहीं करता है। ये हवाई का एकदम स्टेडी वाटर के स्टेडी टेम्परेचर में रहता है, स्टेडी वाटर पैरामीटर में रहता है। सो इसलिए इट्स नॉट इजी, नॉट बिगिनर्स एट ऑल नॉट इजी टू कीप। इसका फूडिंग हैबिट भी सही नहीं है, ये लाइव फूड क्रिल फ्रोजन फूड और माइटी श्रिम्प आर्टिमिया के ऊपर डिपेंड करता है, जो टैंक में देना काफी दिक्कत होता है। इन्हें कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू, कंप्लीट फूड देना काफी दिक्कत होता है। सो ओवरऑल मोर ऑर लेस इट्स नॉट अ गुड फिश टू कीप, नॉट अ गुड आइडिया टू कीप दिस फिश। ये हवाई का फिश है, वहीं पर अच्छा रहे, वहीं पर सही रहे, आपके मेरे टैंक के लिए ये बिल्कुल अच्छा फिश नहीं है, बिल्कुल सही फिश नहीं है अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज। ये रहा आज का हमारा अगला फिश दैट इज चिटोडॉन क्लेन, कॉमन नेम है सनबर्स्ट बटरफ्लाई और क्लेन्स कोरल फिश और क्लेन्स बटरफ्लाई। ये कहाँ पाए जाते हैं? इंटायर इंडो पैसिफिक से लेकर रेड सी, इंटायर इंडो पैसिफिक से लेकर रेड सी तक ये पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये 5 इंच तक बड़ा होता है क्लेन्स बटरफ्लाई। ये क्लेन्स बटरफ्लाई एक्वाडिस के लिए बहुत पॉपुलर बटरफ्लाई है और बहुत अच्छा बटरफ्लाई है, देखने में भी अच्छा है और हैबिटेट में भी अच्छा है। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है इसलिए इसका बड़ा टैंक की जरूरत नहीं पड़ता, ये छोटा टैंक में भी रह जाता है, छोटा टैंक इन द सेंस 3-4 फीट का टैंक में रह जाता है। सभी बटरफ्लाई की तरह इसके लिए भी बहुत सारा प्लेंटी ऑफ हाइडिंग स्पेस की जरूरत पड़ता है, प्लेंटी ऑफ लाइव रॉक रहेगा, प्लेंटी ऑफ हाइडिंग स्पेस रहेगा, क्योंकि ये ओपन स्पेस में, ओपन सी में नहीं चलता है, ओपन एक्वेरियम के ओपन स्पेस में भी नहीं चलेगा, ये रॉक ओरिएंटेड स्पेस में ही चलेगा, रॉक के पास पास से ही चलेगा, रॉक में घुस के ही चलेगा।
ये इसका बिहेवियर भी एंजल की तरह है। ये बटरफ्लाई का जो सबसे खासियत है वो फीडिंग हैबिट, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है फीडिंग हैबिट। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट बटरफ्लाई है हमारे लिस्ट में। इसका फीडिंग हैबिट भी बहुत अच्छा है, कुछ भी खाता है कभी भी खाता है। इनिशियल लेवल में अगर खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ भी तो उसके बाद ये तुरंत ड्राई फूड ले लेता है, तुरंत फ्लेक्स ले लेगा, तुरंत मेरीनेस ले लेगा, पैलेट ले लेगा, फ्रोजन फूड ले लेगा, कुछ भी खाना खाता है और लॉन्ग टर्म के लिए टैंक में बहुत अच्छी तरह रहता ही है। फिश ओनली टैंक के लिए बहुत अच्छा है, रीफ के लिए तो रीफ से है नहीं, इसलिए रीफ के लिए है भी नहीं। बहुत पीसफुल मछली है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, थोड़ा डरपोक टाइप है, बहुत डरपोक बटरफ्लाई है। सो अगर कोई डोमिनेटिंग फिश इसे चेस करे तो ये डर के छुप जाता है, बहुत शाई फील रहता है। इसके कैरेक्टर बिहेवियर के चलते तो आप इसे रख ही सकते हो। अवेलेबिलिटी बहुत रेयर है, ज्यादा मिलता नहीं है, बहुत रेयरली अवेलेबल होता है, लेकिन अगर अवेलेबल हो गया देन इट्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। लाइट का जरूरत इसे थोड़ा कम होता है, ये छुपा छुपा रहता है तो कम लाइट में रहता है। ये फिश कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर योर टैंक। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का अगला फिश, दैट इज चिटोडॉन लाइनियोटस। इसका कॉमन नेम है लाइंड बटरफ्लाई। ये बहुत पॉपुलर फिश है, लाइंड बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक रीजन से लेकर रेड सी। ऑलमोस्ट ये 12 इंच तक बड़ा होता है। ये अब तक का हमारा बटरफ्लाई के लिस्ट में बड़ा होने वाला सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, 12 इंच तक बड़ा हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये लाइन बटरफ्लाई इतना बड़ा होता है 12 इंच तक, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्ड अ लार्जर टैंक। ये रिस्पॉन्सिबल साइज का, अगर आप छोटा साइज का भी लाइन बटरफ्लाई लाएं तो भी इसके लिए बहुत बड़ा टैंक चाहिए होता है, 4-5 फीट का, 6 फीट का टैंक होने से सही रहता है। छोटा टैंक में ये अडेप्टेड नहीं कर पाता है, ये भी पेयर में रहता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये टेरिटोरियल बिल्कुल ही नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस घूमता रहता है और फ्री ओशन में मूव करता है, मतलब आपके टैंक का जो फ्री स्पेस है रॉक के ऊपर का, वो फ्री स्पेस में आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, ये छुप छुप के बिल्कुल नहीं रहता है। सबसे अच्छा पॉइंट है इसका भी फूड हैबिट बहुत वर्सेटाइल है, ये कोई भी फूड में अडॉप्ट हो जाता है, बहुत जल्दी एक्वेरियम के ड्राई फूड में अडॉप्ट हो जाता है, और वंस एक बार ड्राई फूड में अडॉप्ट हो गया तो सालों साल रह जाता है। इसका सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट है, एक पानी का वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी जनरली सारे फिश का चाहिए होता है, लेकिन इस बटरफ्लाई का भी थोड़ा वाटर क्वालिटी अगर सही रहे देन इट कुड बी अ गुड फिश। और ये ओपन ओशन में घूमता है तो वाइड करंट में रहता है, थोड़ा हाई करंट में रहता है तो वाटर फ्लो बहुत ज्यादा होना है। आपके टैंक में अगर फ्लो ज्यादा नहीं रहे तो इस फिश का स्विमिंग में प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग टर्म में डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। मीन्स मछली का डाइजेशन सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो। जिस मछली का डाइजेशन ट्रैक स्लो है वो लो फ्लो में रहता है, जिसका डाइजेशन सिस्टम हाई है वो हाई फ्लो में रहता है। सो ये हाई फ्लो वाला फिश है, इसे बार बार खाना देना पड़ता है, ये बार बार खाना खाता है, थोड़ा थोड़ा करके खाता है लेकिन बार बार खाना खाता है। टेम्परेचर 30 के आसपास हमारे इंडियन कोस्ट का जो गर्म टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री के आसपास में बहुत अच्छी तरह रह जाता है। लो टेम्परेचर में ये फिश में प्रॉब्लम होता है, ये थोड़ा हाई टेम्परेचर में रहता है, 28 के नीचे होने से इसमें थोड़ा स्पॉट आ सकता है। तो 30 के ऊपर टेम्परेचर, 30 के आसपास टेम्परेचर रहे तो बहुत अच्छा है। डेंसिटी 20 के आसपास रहे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर जितना नॉर्मल आप रख सकते हो उतना सही है। पीएच 8 के आसपास रहे तो भी ये फिश रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फूडिंग हैबिट के लिए की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल टेरिटोरियल नहीं है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्रेसिव टूवर्ड्स अदर लाइन बटरफ्लाई हो सकता है लेकिन एग्रेसिव टूवर्ड्स अदर फिश नहीं है। इसलिए कम्युनिटी टैंक में कंफर्टेबल चार्ट में ये हर एंजल टैंक और दूसरा बड़े फिश छोटे फिश किसी भी फिश के साथ इसे आप आराम से रख सकते हो। मेरा उद्देश्य यही है, मैं इसी तरह वीडियो को डिजाइन कर रहा हूँ ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको, ताकि आप समझ सको एक दूसरे के साथ किसके साथ कौन रहेगा किसके साथ कौन नहीं रहेगा। इस तरह का वीडियो मैं यूजफुल वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका डिसीजन सही हो, आपका नॉलेज बढ़े और आप सही डिसीजन ले सको, ताकि आप पैसे देकर गलत फिश मत खरीदो, ताकि वो फिश भी मर जाए, एक जिंदगी भी चला जाए और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे आपके हॉबी के प्रति एक नेगेटिविटी आ जाए। हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरूर बताइए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें उत्साह देते रहिए और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिन के और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, नॉलेजफुल वीडियो आने वाले हैं, सैकड़ों नॉलेजफुल वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू सो मच टू बी विद अस टू सपोर्ट सीस्केप्स। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, हर हर महादेव।